कि भारत के साथ ट्रेड के बजाय के बगैर और भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये आपको मानना होगा। भारत को जो कि आपका बहुत बड़ा और सक्सेसफुल नेबर है, आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें और अपनी इकॉनमी ठीक करें, उनसे मदद लें, बल्कि मैं समझूंगा मदद लें। बिल्कुल सर, ये भारत दुश्मनी निकालनी होगी ना सर, ये जो टेक्स्ट बुक्स में और दिमागों में भरी हुई है सर, ये साल भी आपको लगता है कुछ नहीं हो पाएगा? भारत तो चलें कुछ ना कुछ कर लेगा, कभी चंद्रयान तो कभी कुछ, लेकिन हम क्या करेंगे भाई? वो तो उनकी तो 7.7% ग्रोथ को आप कह रहे हैं, वो तो तरक्कियों पे हैं। चार अगलों ने शिप भेज दी गई, अपने जंगी जहाज भेज दिए रेड सी में अपनी। अच्छा उसकी देखें क्यों भेजें, ताकि हमारी तिजारत ना, उसमें हमारा जो है सी ट्रेड, उसमें रूट खराबी ना, चावल की एक्सपोर्ट के ना खतरा ना पड़ जाए, क्योंकि चावल बहुत है, दुनिया का 40% चावल तो भारत से जाता है। तेल ना महंगा हो जाए, अगलों ने रशिया से मिल रहा था तेल, उसको नहीं मिल रहा, अगलों ने कहा कि हम वेनेजुएला से ले लेंगे। इस वक्त लिथियम बैटरी, जो बैटरियों में लिथियम है, उस चाइना की मोनोपोली है, अगले अर्जेंटीना चले गए वहां से, वो वहां से लेंगे लिथियम, अपना निकालेंगे। ये तब होता है जब कौमियत हो, नेशनलिज्म हो। मोदी साहब ने सिर्फ एक ही तोहफा दिया है अपने हिंदुस्तान को, उन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया है, ये उनका तो मैं बार बार कहता हूँ, मेरे गले पड़ते हैं सारे। मैं कहता हूँ मोदी जैसा लीडर मिले को पाकिस्तान को, कहते वो मोदी और यार नेशनलिज्म उसने दिया है यार। सर ये तो क्या, अब तो इंडियन भी नाराज हो जाते हैं, हम लोग जब तारीफ करते हैं मोदी जी की तो अब तो इंडियन भी, कुछ इंडियन भी नाराज हो जाते हैं ना जाने क्यों। इंडिया ने तो इस तरह ना, जो इंडिया कहीं नाराज इसलिए हो जाते हैं, वो कहते हैं जी ये ब्रांड हमारा है, ये कुछ किसी का हक ही नहीं बनता नाम लेने को, ये तो कहते हैं हमारा ब्रांड है, हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया मोदी को, किसी को मोदी जी का नाम को और ले तो जेलस हो जाते हैं ना, और जेलस हो। और यार मैं तो कंपेयर करता हूँ उस बंदे को यार, एज ए नेशनलिस्ट मैं मोदी को कहीं नहीं लेके जाने के चक्कर में भाई, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी है, मैं उस आइडियोलॉजी की बात करता हूँ। पाकिस्तान में जाहिर को पाकिस्तानी होगा, पैदा होगा जो करेगा, उसको ये कहता हूँ उधर से नेशनलिज्म सीख लो। मैं कमाल लता तुरक का बड़ा बहुत बड़ा फैन हूँ, कमाल लता तुरक ने बहुत कुछ किया था, मैं जो बड़े गांधी का भी मैंने आपको बताया उसका बहुत बड़ा फैन, जिना की मैं जिना से इंप्रेस हूँ, मैं नेहरू से बहुत इंप्रेस्ड हूँ। इससे ये थोड़ी होता कि मैं किसी यहाँ पे, मैं अमेरिका से अगर देखा जाए तो मैं यहाँ रेगन से बड़ा इंप्रेस हूँ, कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने। और सर मोदी जी का ये भी है कि उनको कुछ टाइम पहले तक लोग गुजरात और किस किस हवाले से ताने दिया करते थे या बुरी बातें पाकिस्तान से बोला करते थे, हमें भी वही सिखाया गया था, लेकिन हमने फिर देखा उनका काम, देखा और किस तरह से उन्होंने आपको आगे लेके गए। आरजू मैंने गुजरात जाऊंगा, मैं गुजरात का बहुत, आज मैं एक दो चीजें आखिरी दो चीजें बताऊंगा। एक तो यहाँ पे मैं गुजराती भाई मेरे यहाँ पे बहुत है अमेरिका के अंदर, मैं उनसे हमेशा जब भी जाता हूँ एक सबक उनको फ्री देता हूँ, उनसे हर एक से जब पूछता हूँ यार मुझे गुजरात का मतलब बताओ, किसी को नहीं पता होता, हालांकि खुद गुजरात से होते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ गुजरात, ये फ्री आपको मैं दे रहा हूँ, ये टिप दे रहा हूँ, गुजरात होती है लैंड जहां पे गुजर और जाट मिलके रहे, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट भी गुजरात है और मैं जाट हूं, गुजर और जाट जहां मिलके रहते हैं उस लैंड को कहते हैं गुजरात। अब मैं इंप्रेस क्यों हूं गुजरात से, सबसे पहले ब्रिटिश आया सूरत गुजरात आया, ठीक हो गया, इस वक्त गुजरात के को बहुत स्ट्रॉन्ग डीएनए है वहां का, उसकी वजह बता दो, हमारे कायदे आजम जो मोहम्मद अली जिन्ना थे गुजराती थे, गांधी कौन थे गुजराती थे, मोदी साहब कौन है गुजराती, इस वक्त इंडिया के दो सबसे अमीर तीन लोग हैं वो भी गुजराती, डायमंड मार्केट सबसे बड़ी इस वक्त कहां है, गुजरात में। तो मैं गुजरात से देखे, मैं वेरी मच इंस्पायर्ड बाय गुजराती डीएनए, और दूसरा साउथ इंडिया का डीएनए, वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल, मुझे ये एडमायर करना होगा। देखिए अच्छी चीज है, उसकी तारीफ करनी चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए को तहफात जो है वो उनको बैलेंस करें, अगर मूव फॉरवर्ड करना है, जो कि मैं बहसीते पॉलिटिकल साइंटिस्ट बिलीव करता हूं कि भारत के साथ ट्रेड के बजाय के बगैर और भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये आपको मानना होगा, इस चीज पे आपको एग्री करना होगा। और मेरी नजर में जो मैं आजकल के हालात देख रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब हैं और हमारे जो नए आर्मी चीफ साहब हैं, बल्कि बाजवा साहब ने डिसीजन ले लिया था इस चीज का कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने हैं, हमारे करंट एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से ठीक करने, कौन से स्टेप्स लेने हैं, यही एक हमारे ब्यूरोक्रेसी की फेलियर है, और यही हमारे जो लोग हैं जो कि जिनके इंटरेस्ट सारे जो बाहर बैठे हैं वो शायद समझते हैं कि अगर हमारे भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो गया तो शायद हमारा
जब ये खत्म हो जाएंगे, ये हमारा कारोबार खराब हो जाएगा, जो एक कारोबार चल रहा है 70 साल से। लेकिन ये किसी को, किसी ना किसी को इस चीज को करना होगा, इसको करना होगा। बल्कि ये मेरा मेरा खुद अपना ये एक समझता हूं कि मेरा भी ये मिशन ही समझे कि मैं ये चाहता हूं कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान जो है वो अमन की तरफ जाए और टेक्नोलॉजी की तरफ जाए और इकॉनमी की तरफ जाए। दिस इज व्हाट इट इज। मैं समझता हूँ जहां इकॉनमी ठीक होती है, तालीम ठीक होती है, वहां दूसरे झगड़े जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यही मेरा एक ख्वाहिश है, बार बार मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान को तालीम और इकॉनमी की तरफ जाना होगा और ट्रेड की तरफ जाना होगा। उसमें भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने होंगे। उसकी दो वजह, चाइना ने तरक्की की है सबसे ज्यादा पिछले 50 सालों में, और इस वजह से की है कि किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में चाइना इन्वॉल्व नहीं हुआ। आपको भी ये चाहिए कि खुदा रहा ये अफगानियों के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें, ईरान के साथ भी ठीक करें, और भारत को जो कि आपका बहुत बड़ा और सक्सेसफुल नेबर है, आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें और अपनी इकॉनमी ठीक करें, उनसे मदद लें। बल्कि मैं समझूंगा मदद लें, आप बिल्कुल सर, सिर्फ ये भारत दुश्मनी निकालनी होगी ना सर, ये ना जो टेक्स्ट बुक्स जी में और दिमागों में भरी हुई है। देखें आरजू, उसमें ना सिर्फ के आप उनकी इंडियन फिल्में ही देखें, आप उनकी तरक्की की फिल्में भी देखें प्लीज। ये भी उनकी तरक्की की खबरें भी पढ़ें, उनकी किताबें भी पढ़ें, उनसे लर्न करें। और ये जो ये एक आपके जहन में बना रखा है कि जिस तरह आप समझते हैं जितने फॉरेन इन्वेडर थे वो आपके हीरो थे, मैं आरजू मैं भी यही समझता था, क्योंकि मैंने भी वही किताबें पढ़ी हैं जो आपने और दूसरा पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं। ये गलत बात किताबें हैं, बल्कि अपने लोकल हीरो जो हीरो हैं उनके बारे में देखें, वो कौन है लोकल हीरो। और बिलखसूस ये जो हिंदू मजहब के साथ इतनी नफरतें हैं, ये बिल्कुल ये इसको रोकना चाहिए। इस खित्ते में बहुत कम थे लोग जो अफगानी या अरबियों के डिसेंडेंट थे, बाकी मेजोरिटी यहाँ हिंदू थे, सारे इस खित्ते के हिंदू थे। और बिलखसूस इंडस सिविलाइजेशन की जब बात की जाए जो पाकिस्तान के अंदर है, वो तो सारे हिंदू लोग थे। बिल्कुल, आप उस मजहब से क्यों इतना आपके अंदर ये डाल दिया गया है नफरतें? ये एक पॉलिसी और एक स्ट्रेटेजी के जरिए ये डाला गया है, इसको खत्म करें। रिक्वेस्ट है कि जिस जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जैसे कोई नई वीडियो आएगी आपको फौरन ही नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को ये बात पहले ही पता होगी। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, साजितार और आजू काजमी ने इंडिया रिलेशनशिप के ऊपर बात करी। उन्होंने बताया कैसे जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन वो बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं, और इसी के कारण जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी ख़राब हो रही है। साथ ही में साजिदार ने मोदी जी की तारीफ़ करते हुए बताया कि कैसे इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी एक पहचान बना रहा है, और उसकी जो सुपर पावर बनने की जो कामना है उस राह पर आगे चल पड़ा है। और वहीं जो IMF से लोन मांगता हुआ पाकिस्तान हर एक दो महीने के अंदर गिड़गिड़ाता। उन्होंने ये भी बताया कैसे जो इंडियन और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है। इंडियन पॉलिटिशियन अपने देश के बारे में सोचते हैं, और उनमें जो मोदी जी है उन्होंने उनके प्रति एक देशभक्ति की भावना जगा दी है। वहीं पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं वो ओनली एक पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, और वह पैसा कमा के बाहर विदेशों में शिफ्ट हो जाते हैं। साथ ही में उन्होंने जयशंकर की भी तारीफ़ करी। उन्होंने बताया कि कैसे जो जयशंकर की डिप्लोमेसी है वह पूरे वर्ल्ड में उनका लोहा मान रही है। साथ ही में जयशंकर के बारे में बात करते हुए साजिदार ने भी बोला कि मैं उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं उनकी हर एक चीज़ हर एक बातें सुनता हूँ, और उन्होंने उनका इंटरव्यू भी देखा है। और इसी बीच आजू काजमी ने यह भी बताया कि आजकल जब वह मोदी जी की तारीफ़ करते हैं तो जो इंडियन जो ऑडियंस है वो बुरा मानती है, क्योंकि वो कहती है कि मोदी जी पाकिस्तान से बहुत बड़े हैं और उनकी कंपेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही में आजू काजमी ने यह भी बताया कि कैसे उन्हें बचपन से हिंदुस्तान और हिंदुओं के प्रति एक ना नेगेटिव बातें बताई गई है, और उनकी जो पूरी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है। वहीं जब वह मोदी जी के बारे में जानने लगी तो उनके बारे में उन्हें बहुत सारी अच्छी बातें भी पता लगी। और आगे जो साजिदार और आजू काजमी ने जो भारत में हो रही अभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में बातें करी, उन्होंने बताया कि कैसे जो भारत के अंदर अभी रेड सी के अंदर उन्होंने अपने 4 जहाज खड़े कर दिए हैं, और साथ ही में जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी 7% से ऊपर की GDP ग्रोथ दिखा रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको एक और अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं,
अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दें।